भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। जप तप व्रत स्वादिष्ट अति स्वादिष्ट भोजन। लो भैया, भोजन के पश्चात इन स्वादिष्ट फलों का सेवन करो। उत्तम, अति उत्तम। मांगो बहन यमुना, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगो। आज तुमने स्नेह पूर्वक भोजन करवा के भाई और बहन के प्रेम का नया आदर्श स्थापित किया है। अपनी बात निसंकोच कहो, कहो बहन। यदि आप इस समय सत्य ही प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि संसार के समस्त भाई बहनों के मध्य सुख समृद्धि और कल्याण का शुभारंभ हो। मैं कुछ समझा नहीं बहन यमुना, अपनी बात स्पष्ट कहो। भैया, आज कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि है। मेरी इच्छा है कि आज की तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो। तथास्तु, आज के पश्चात कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि को संसार यम द्वितीया के साथ साथ भाई दूज के रूप में भी जानेगा। भैया, ऐसी भी कृपा करें कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए, उसे उसके कष्टों से मुक्ति तथा सुख व समृद्धि प्राप्त हो। तथास्तु बहन यमुना, जो भाई आज के दिन अपने बहन के घर में भोजन करने के पश्चात उसे वस्त्र तथा आभूषण उपहार स्वरूप देगा, उसे यमराज की प्रसन्नता के कारण स्वप्न में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। किंतु भैया, यदि किसी भाई की छोटी बहन ना हो तो वो क्या करेगा? वो आपकी कृपा और इस वरदान का लाभ कैसे प्राप्त करेगा? यदि छोटी बहन ना हो तो वो बड़ी बहन के यहाँ जाए, और यदि बड़ी बहन भी ना हो तो वो सौतेली बहन के घर जाए। और यदि किसी की सौतेली बहन भी ना हो तो वो क्या करें? ऐसी स्थिति में पुरुष किसी भी स्त्री को मन वचन और कर्म से अपनी बहन स्वीकार करे और यम द्वितीया के दिन उस मुंह बोली बहन के घर जाकर भोजन करके उसे उपहार दे। भैया, बहन यमुना, यदि आज के परम पावन दिन किसी पुरुष को अपनी बहन मिले ही ना, तो वो गाय अथवा नदी को अपनी बहन मानकर उसका दूध अथवा जल ग्रहण करे, उसे उपहार दे। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो वो वनश्री को अपनी बहन मानकर वृक्षों के फलों को ग्रहण करे और उपहार स्वरूप वन में एक वृक्षारोपण करे। आप धन्य है भैया, आपने आज के महत्वपूर्ण दिन के अनुरूप अनुष्ठान की सारी संभावनाएं स्वयं ही व्यक्त कर दी। अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हर भाई भाई दूज व्रत का पालन अवश्य करेगा। बहन यमुना, यदि आज के दिन कोई भाई इस यम द्वितीया के दिन के महत्व की उपेक्षा करने का दुस्साहस करेगा, तो हमारे क्रोध के कारण उसका जीवन संकट के भयानक भ्रम जाल में उलझ जाएगा। उस पर अकाल मृत्यु का भय सदा मंडराता रहेगा। आप धन्य है भैया, ये बंधन लगाकर आपने यम द्वितीया की व्रत और भाई दूज की सफलता निश्चित कर दी। आपकी जय हो बहन यमुना। निस्संदेह तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है। मैं कुछ समझी नहीं भैया। मेरी व्यस्तता के कारण तुम्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस कारण तुमने अपनी स्नेह की डोर का बंधन मेरे ऊपर भी लगा दिया है। अब प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के दिन मुझे तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने यहाँ आना ही पड़ेगा। जप तप व्रत। जप तप व्रत। भाई यमराज का बहन यमुना को वचन पिछले अनेक युगों से भाई बहन के पवित्र संबंधों को सुदृढ़ करने वाले
भाई दूज पर्व के रूप में आज भी पूर्णतया हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव का मन असुर जाति के भविष्य पर केंद्रित हो गया। मन और विचार के इसी संयोग से ब्रह्मदेव की जांग से तालजंघ नामक असुर ने जन्म लिया। तालजंघ ने ब्रह्मदेव को चकित करते हुए कहा, परमपिता ब्रह्मा जी, अपने पुत्र तालजंघ का प्रणाम स्वीकार करें। तालजंघ, जंघा पर ताल देने के कारण तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम तालजंघ उचित है। किंतु किंतु क्या पिताश्री? तुम अनायास ही प्रकट हुए हो, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट नहीं किया है तालजंघ। निसंदेह, किंतु अब तो मैं प्रकट हो ही गया, अब आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मुझे क्या करना है? ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु किसी नई घटना का प्रारंभ करने वाले हैं तालजंघ। नई घटना? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को जन्म देने वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ नहीं घटता है तालजंघ। घटना ना घटना सब ठीक है पिताश्री, परंतु कृपया मुझे आप ये बताने का कष्ट करें कि मैं दानव हूं, मानव हूं या फिर देवता हूं। क्या मुझे भी आपके मानस पुत्रों के समान स्थान मिलेगा? तालजंघ, तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ है, इसी कारण तुम न तो मानव हो न देवता, और न ही तुम्हारा स्थान मेरे मानस पुत्रों के समान है। तुम्हारा जन्म तब हुआ जब मेरे मन में असुर जाति के विचार जन्म ले रहे थे। मैं भी यही चाहता हूं परमपिता, कि आप मुझे असुर घोषित करें। असुरों और दानवों में जैसी मारक शक्ति होती है वैसे किसी अन्य जाति में नहीं, इसलिए मैं असुर बनना चाहता हूं। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता तालजंघ, तुम असुर हो इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु तुम अपने कार्यों से अपना नाम मेरे मानस पुत्रों के समान आदरणीय बना सकते हो। और ना बनाओ तो तुम्हारी दुष्टता मेरी कीर्ति को नष्ट कर देगी। पुत्र के दुष्कर्मों का प्रभाव पिता की कीर्ति पर पड़ता है, यदि तुमने दुष्कर्म किए तो मैं तुम्हें पाताल लोक भेजकर अनंत निद्रा में लीन कर दूंगा तालजंघ। नहीं नहीं परमपिता, आप मुझे पाताल लोक ना भेजें, मैं या तो ब्रह्मलोक में रहूंगा या फिर पृथ्वीलोक पर। मैं अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों को चकित कर दूंगा। तीनों लोकों को चकित करने के लिए किसी पर अत्याचार न करना तालजंघ, यदि तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, पर ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे कष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध पाताल लोक। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं परमपिता, मुझे आसुरी शक्तियों के साथ ही आपकी सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं। त्रिदेव मेरे पूजनीय हैं, त्रिदेवियां मेरे लिए आदरणीय हैं। आप निश्चिंत रहे, मैं वही करूंगा जिसकी आप आज्ञा देंगे। तो सुनो तालजंघ, तुम पृथ्वी लोक जाकर मेरे वन क्षेत्र में अपना जप तप प्रारंभ करो। जप तप और व्रत? हाँ तालजंघ, जप तप द्वारा तुम अपने आसुरी स्वभाव पर अंकुश लगा सकते हो। परंतु मैं कब तक जप तप व्रत में लीन रहूं परमपिता? जब तक हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वरदान न दें। हमसे जन्म लेने के कारण तुम अपूर्व शक्ति के स्वामी हो, जब तप करते समय युगों तक तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी तालजंघ। परंतु मैं जब तप कैसे करूं, कहां करूं? तुम निरंतर मेरे नाम का जाप करना, इसमें तुम्हें अपार शांति मिलेगी। जब तुम्हारा जब तप संपूर्ण होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं पिताश्री, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं, क्या आप अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? प्रश्न इच्छा का नहीं है तालजंघ, प्रश्न कर्तव्य का है। यदि जब तप द्वारा तुम हमें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करोगे तो उस वरदान पर तुम्हारा अधिकार होगा तालजंघ। और जिस पर मेरा अधिकार होगा उसका मैं अपनी इच्छा अनुसार उपभोग भी कर पाऊंगा। जो आज्ञा पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः।
क्या तुम सत्य कह रहे हो राहू? पर मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। किंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता दैत्य गुरु कि शिव भक्ति में लीन आपका मन इतना भ्रमित हो गया कि दैत्य सेनापति राहु की बात पर भी विश्वास नहीं। तुम अन्यथा सोच रहे हो राहु। तुम्हारी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं तो भोलेनाथ के संकेत को लेकर चकित हूँ। इसमें चकित होने जैसी क्या बात है दैत्य गुरु? भोलेनाथ ने तो स्वयं ही आपसे कहा था कि दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आने पर वे स्वयं संकेत देंगे। स्मरण करें दैत्य गुरु, स्मरण करें। मुझे कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है राहु, सब स्मरण है मुझे। क्या दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आ गया है? समय के उचित और अनुचित का निर्णय आशुतोष शिव से अधिक और कौन कर सकता है दैत्य गुरु? मुझ पर विश्वास करें। मेरु वन में ब्रह्मदेव की तपस्या करता वो असुर निश्चित ही असुरों के आराध्य भगवान शिव का संकेत है दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये अवसर सोच विचार में ही ना गंवा दें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरु वन में तपस्या करता ये असुर दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। राहु, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा किस उचित अवसर का लाभ दैत्य जाति कैसे उठाए। आप अपने मन की दुविधा का त्याग करें दैत्य गुरु। मेरु वन क्षेत्र में तपस्या करते उस असुर को अपनी शक्तियों से संपन्न करें, जिससे पाताल में पड़ी अचेत दैत्य जाति का उत्थान हो। राहु, क्या इस कार्य में विध्वंसक शक्तियों की अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव का सहयोग नहीं लेना चाहिए? अमृत को पचाने की शक्ति इस संसार में राहु के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है दैत्य गुरु। राहु के भीतर धधकते प्रतिशोध के विष ने समुद्र मंथन के समय निकले अमृत पान को भी निष्क्रिय कर दिया था। किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि विष्णु कृपा से अमृत पान करने वाले शनिदेव विध्वंसक शक्तियों का अब हित चिंतन करेंगे। किंतु बिना शनिदेव की अनुमति प्राप्त किए इस अभियान का प्रारंभ अनुचित होगा राहु। उचित अनुचित के चक्कर में पड़ने का इस समय मैं इच्छुक नहीं हूँ दैत्य गुरु। स्मरण करो राहु, शनिदेव ने उचित अवसर आने पर विध्वंसक शक्तियों को अपनी कृपा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। मुझे स्मरण है दैत्य गुरु कि अमृत पान के पश्चात भाग्य विधाता शनिदेव ने उचित अवसर पर सक्रिय होने का वचन दिया था। यदि तुम्हारा कथन सत्य है और शिव कृपा से उचित समय आ गया है तो हमें विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपका परामर्श मानकर हम शनिदेव से बात कर लेते हैं, किंतु जहां तक संकोच का प्रश्न है तो छलिया विष्णु के संसार में सर्वनाश करने से संकोच नहीं करना चाहिए। महादेवी लक्ष्मी, मेरु वन का वो असुर आपकी ही नहीं सारे संसार की उत्सुकता का कारण बन गया है। राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपने स्वार्थ का हित चिंतन साधने की रणनीति बनाने लगी है। स्वामी, ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न ताल जंग का भविष्य क्या होगा? क्या राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपना हित साधने में सफल होंगी? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। देवर्षि नारद, आप जो प्रश्न लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हैं वो प्रश्न तो आपकी माता लक्ष्मी ने हमसे पहले ही पूछ लिया है। हाँ नारद, वे असुर ब्रह्मा जी द्वारा अपनी जांग पर ताल देने से उत्पन्न ताल जंग है, किंतु वे ब्रह्म आराधना से क्या प्राप्त करेगा? उसका उत्तर तो बैकुंठ पति ही देंगे।
नारद, ताल जंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा आराधना से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा है। किंतु किंतु क्या प्रभु? किंतु देवराज का संदेह अनुचित है। ताल जंग जैसे अनायास उत्पन्न हुआ है, वैसे ही अनायास समाप्त हो जाएगा। परंतु समाप्त होने से पूर्व वो अपने पीछे महान आसुरी परंपरा को छोड़कर जाएगा। अर्थात ताल जंग का भविष्य शीघ्र ही हम सबके सम्मुख आ जाएगा। इस कारण धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। माता, प्रभु वैकुंठ पति का ये उत्तर तो हमें और अधिक उलझन में डाल गया। देवर्षि, स्वामी का हर उत्तर उनकी लीला के समान रहस्यमय होता है। इस कारण प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण, प्रतीक्षा करना तो नारद का स्वभाव ही नहीं है माता। किंतु जैसी प्रभु की इच्छा। प्रकट हो भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्र शुक्राचार्य, असमय हमारा आह्वान क्यों? मित्र शनिदेव, हमारा आह्वान असमय नहीं है। दैत्यों की आराध्य भगवान शिव की कृपा से वो समय आ गया है जब दैत्य और असुरों की शक्तियों का उत्थान हो। अर्थात क्या सत्युग का भक्तिमय युग समाप्त हो गया? भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा युग और काल की सीमा से परे है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए महादेव ने मेरु वन क्षेत्र में एक असुर को प्रकट कर दिया है। शनिदेव, दैत्य सेनापति से मेरु वन क्षेत्र में ब्रह्मदेव की आराधना में लीन उस असुर के विषय में सुनकर मेरा देव द्वेष जागृत हो गया है। परंतु आपकी इच्छा के बिना विध्वंसक शक्तियां सक्रिय नहीं हो सकती। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, क्या आपको पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति का उत्थान प्रिय नहीं? क्या आप भी विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का पान करके छलिया देवताओं के संगठन में सम्मिलित हो गए हैं? उत्तर दें भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तर दें। ये प्रश्न दैत्य सेनापति राहु नहीं अपितु असुर जाति का भविष्य पूछ रहा है। हर हर महादेव। राहु, यदि भगवान शिव ने दैत्य जाति के उत्थान का संकेत दे दिया है तो मुझे दैत्य जाति पर कृपा करने में तनिक भी दुविधा नहीं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। किंतु दैत्य जाति पर कृपा करने से पूर्व भाग्य विधाता शनिदेव मेरु वन के उस असुर को देखने के इच्छुक है। हर हर महादेव। Me.
हम उसे दंडित करके कर्तव्य पालन की शिक्षा अवश्य देंगे, किंतु 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 क्या गृहपति सूर्यदेव? हम सबके आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु के इस इच्छा संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। शनि भी जो कुछ करता है उसमें जगदीश्वर की ही इच्छा है। गृहपति सूर्यदेव, आज जीवन में पहली बार आपको अपने कर्तव्य से डिगता देख रहा हूं। क्षमा करें गृहपति सूर्यदेव, आप पुत्र मोह के वशीभूत होकर कहीं हम सबके हृदय में शनिदेव के प्रति सहानुभूति लाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? शनिदेव की उदंडता और दृष्टता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा कैसे हो सकती है? चंद्रदेव और मंगलदेव, आप दोनों का गृहपति सूर्यदेव के विरुद्ध विरोध उचित तो है किंतु विचारणीय नहीं। अर्थात? अर्थात गृहपति सूर्यदेव का कथन पूर्ण सत्य है। इस संसार में जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूर्यपुत्र शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग है। ऐसे में आप सबका गृहपति सूर्यदेव का विरोध उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? आप सबने गृहपति सूर्यदेव को अपनी बात पूर्ण करने ही कहा दी। कहें सूर्यदेव, हमारा क्या करना उचित होगा? देवगुरु, क्या हम सबका वैकुंठ जाकर जगदीश्वर श्री विष्णु से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करना अनुचित होगा? गृहपति सूर्यदेव, आपके इस विचार से मैं असहमत हूँ। यदि शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग हैं और उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं तो हम सब भी उन्हीं के सृष्टि के अंग हैं। यदि हमारे मन में परम भागवत भक्ति महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है तो क्या यह जगदीश्वर की प्रेरणा नहीं मानी जाएगी? साधु साधु। हम सभी भागवत भक्तों को श्री विष्णु जी की व्यस्तता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यदि हमारे मन में महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है तो उसे जगदीश्वर की इच्छा मानकर हमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ शनिदेव की कुदृष्टि से महारानी सुनीति की रक्षा करनी होगी।